बीपी टाइप का कौन सा है? बीपी ना अभी आपका 116/88 आया है और आज तो गोली नहीं खाई आज आपने, नहीं खाई है। तो बीपी मुझे लगता है कहीं कम ना हो जाए आपका, तो टैबलेट अभी आप बंद कर दो, चेक करते कभी रहो। कभी कम हो जाता है। हाँ, फिर उससे ना चक्कर आ सकता है, आते हैं जी क्योंकि मेरे बॉडी का जब साइज श्रिंक होता है ना, उससे ठीक ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेटर हो जाता है, क्योंकि पहले तो ऐसे था ना कि बॉडी पे स्ट्रेस था, ठीक है जी। हर एक पार्ट पे टेंशन थी, अब वो रिलैक्स हो रहा है, तो जो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो रिलैक्स होता है। रिलैक्स होने से हमारा ब्लड प्रेशर जो पहले ऊपर रहता था, अब वो 110/80 ऐसे चलता है। तो कई बार क्या होता है, एकदम अगर हम बैठे थे पिछले आधे घंटे से, 1 घंटे से बैठे हैं, तो अचानक एकदम खड़े हुए, तो उस वक्त आपको आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है। अगर ऐसा होता है, इसका मतलब है आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ रहा है या काफ़ी ज़्यादा ओवर कंट्रोल हो रहा है। ठीक है जी। तो खड़े होने से चक्कर क्यों आता है, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो टांगों में चला जाता है, ठीक है। टांगों में काफ़ी जगह बन गई है, फैट इतनी निकल गई, वहाँ पे खून नीचे आ जाता है, तो उसकी वजह से ब्रेन को पूरा नहीं मिलता। खड़े होने पे ब्लड प्रेशर थोड़ा और कम हो जाएगा, तो इसलिए एक तो नमक ज़्यादा लेना है, ठीक दूसरा है। टांगों की वर्जिश करनी है ताकि ब्लड नीचे ना आए, टांगों के जो मसल्स हैं वो थोड़े टोन्ड अप रहें, ठीक मसल है। टोन्ड अप रहेंगे तो फिर ये खून का जो सर्कल है वो प्रॉपर चलता है। ठीक है,